हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज की तरह। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं और सब लोग बहुत ही पसंद करते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम गोंद, जो मैंने पीस लिया है। देखिए, पीस के मैंने छान लिया है, मोटा अलग कर दिया है, बारीक एकदम अलग कर दिया है। और 250 ग्राम बादाम जो मैंने कूट के रखे हैं, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे किशमिश ली है, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे लिए हैं खस के दाने जो मैंने बारीक पीस लिए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच काली मिर्ची भी दरदरी पीस ली हैं, और मैंने 2 बड़े साइज के गोले कद्दूकस करके रखे हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे गाय का घी यूज में लिया है। बहुत अच्छे से हम घी को गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, घी गरम हो चुका है। सबसे पहले हम गोंद को इसमें फ्राई कर लेंगे। देखिए, गोंद के हम फूले कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे और बहुत अच्छे से इनको तल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे गोंद को तल लेना है। जो हमने मोटा रखा था वो बारीक वाले को अभी हमें नहीं यूज में लेना है। फ्रेंड्स, मैंने सारे गोंद के फूले कर लिए हैं। देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको तल लिया है, बिल्कुल भी काले दाग नहीं लगे हैं। और जो मैंने बारीक गोंद पीसा था वो अभी मैंने एज इट इज रख दिया है, इसको हम बाद में काम में लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस घी को छान सकते हैं, और जैसे ज़्यादा नहीं इसमें दाग लगे हैं तो मैंने इसमें एज इट इज और घी डाल दिया है। मैंने यहाँ लगभग 1/2 किलो के आसपास इसमें घी डाला है। अब हम सबसे पहले आटा सेक लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1/2 किलो आटा लिया है, गेहूं का बारीक आटा है। अब हमें आटे को बहुत अच्छे से सेक लेना है। अब हम इसको पहले घी में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको घी कम लगे तो आप और थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में तो घी खाया जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा घी अगर ज्यादा हो तो भी चलता है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटा घी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सेक लेंगे। हमें गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो आटा जलने लग जाएगा, और लगातार हिलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, आटा और घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये बहुत तेज़ गर्म भी है, तो आप बनाते समय ध्यान रखें कि आटे में से जो बबल्स निकल रहे हैं वो आपके ऊपर ना आ जाएं और आप जल ना जाएं। इसलिए थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के रखें और फिर आप इसको अच्छे से धीरे धीरे सेकते रहें। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत पतला कर लिया है मैंने, नहीं, ये पतला नहीं है। अभी जब हम इसको सेक लेंगे उसके बाद आप देखिएगा ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसको आटे को इसी तरह से सेकते रहना है।
फ्रेंड्स देखिए बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है और आटे का कलर भी चेंज होने लग गया है। अभी हमें इसको इसी तरह से सेकते रहना है हल्का ब्राउन होने तक। देखिए फ्रेंड्स आटा बहुत अच्छे से सेक गया है, कलर भी एकदम इसका ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले जो हमने बारीक गोंद रखा था अलग उसको डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहे किसी चम्मच से आप इसको डाल लें। देखिए फ्रेंड्स एक एक चम्मच करके मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे इस तरह से गोंद डालने का मतलब क्या है। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। और हमने इस समय गैस के फ्लेम को एकदम कम कर दिया है, बिल्कुल हमने मध्यम आंच कर ली है। और इसी तरह से हमें सारे गोंद को इसमें डाल देना है बारीक वाले को, ताकि आटे के अंदर ही इसके फूले तैयार हो जाएं। देखिए मैंने सारा गोंद डाल दिया है और बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अभी हमें इसको इस तरह से फ्राई कर चलाते रहना है। देखिए मैं इसको इस तरह से लगातार मिक्स कर रही हूँ ताकि गोंद चिपके नहीं और पूरे गोंद के फूले अच्छे से तैयार हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रहा है, गोंद आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो हमने खसखस बिल्कुल बारीक पीस के रखा था वो डाल देंगे। फ्रेंड्स खसखस डालने का मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। खसखस दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड बहुत शार्प होता है इससे, और सर्दियों में तो खाना भी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे खसखस बारीक पीस करके लड्डू में डाला है। अब हम इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और जो हमने काली मिर्च दरदरी पीस के रखी हुई थी वो भी हम आटे में डाल देंगे। काली मिर्च आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, इसलिए हमने काली मिर्च डाली है। इससे तीखा फ्लेवर नहीं आएगा क्योंकि अब हम जिसमें शक्कर मिक्स करेंगे तब ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। और हमने यहाँ पे काली मिर्च सिर्फ 2 चम्मच ही डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। काली मिर्च डालने के बाद में बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स मैंने देखिए बड़ी परात में निकाल लिया है। अब इसमें मैं सबसे पहले बादाम डाल दूंगी और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम बादाम डाल करके। किशमिश हमें अभी नहीं डालनी है, किशमिश हमें आटे को ठंडा होने के बाद ही डालनी है। देखिए फ्रेंड्स बादाम मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें नारियल डाल दूंगी। मैंने कद्दूकस किया हुआ सारा नारियल डाल दिया है। अब इस सारे मटेरियल को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स नारियल और बादाम बहुत अच्छे से आटे में मिक्स हो गए हैं। अब हमने जो गोंद के फूले तैयार किए थे उनको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ठंडा होने के बाद भी मिक्स कर सकते हैं। हमें इस तरह से मिक्स करना है कि जो गोंद के हमने फूले तैयार किए हैं वो फूटे नहीं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें इसको मिक्स कर लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, लुकिंग में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमने फूले भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आटे में मिक्स कर दिए हैं। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स हो गए हैं, सिर्फ किशमिश रह गई है। किशमिश को हम ठंडा होने के बाद ही मिक्स करेंगे। अब हम ठंडा होने का वेट करते हैं। फ्रेंड्स, आटे के लड्डू बनाने के लिए जो हमने मटेरियल तैयार किया है, ये सब अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमें एकदम ठंडा नहीं करना है, हमने बिल्कुल नवाया नवाया इसको रखा है। अब मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। किशमिश आप पसंद करते हैं तो डालिए, वरना रहने दीजिए, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गर्म में किशमिश हमें नहीं डालनी है। आटा जब गर्म होता है और अगर हम उसमें किशमिश मिक्स कर देते हैं तो किशमिश फूल जाती हैं और काली पड़ जाती हैं, इसलिए हमने आटे को ठंडा करने के बाद ही इसमें किशमिश मिलाई है। देखिए, किशमिश भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं। आइए अब हम इसमें बूरा मिला देते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो आटा लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे आधा किलो ही पिसा हुआ बूरा यूज़ में ले रही हूँ। आप बारीक, जो घर में हम चीनी यूज़ में लेते हैं, वो भी आप पीस करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो बूरा लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा मीठा और इसमें मिक्स कर सकते हैं। आइए अब हम इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आटे में बूरा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और घी भी सारा एब्जॉर्ब हो गया है इसमें। अब घी अलग से कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है। अब हम इसको बहुत अच्छे से एक बार हाथ से मिक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा बूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम आइए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप जिस साइज के चाहें उस साइज के लड्डू बना सकते हैं, छोटे या बड़े। मैं देखिए बड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें इसको ऐसे गोल गोल करते जाना है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे और अलग बर्तन में रख लेंगे। बिल्कुल हमें हल्के हल्के हाथ से दबाना है, टाइट हाथ से नहीं दबाना है, नहीं तो घी भी बाहर आ जाएगा और जो हमने गोंद के फूले किए थे वो फूट जाएंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, सभी लड्डू हमने बना लिए हैं। देखिए, लुकिंग में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब आप जब चाहें तब ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।